नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिजनेस की बात प्रोग्राम में। आरबीआई ने अहम फैसला लेते हुए इस आदेश को हरी झंडी दे दी है कि अब कार्ड से होने वाली हर पेमेंट कॉन्टैक्टलेस हो सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस खबर के बारे में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देश के सभी पेमेंट नेटवर्क जैसे वीजा, मास्टर कार्ड और NPCI को सभी रिटेल स्टोर और शॉपिंग सेंटर पर खरीदारी के लिए कार्ड पेमेंट पर टैप एंड गो फंक्शन की अनुमति को हरी झंडी दे दी है। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के दौरान और इसके बाद भी लेन देन सुरक्षित और कॉन्टैक्ट लेस बनाने के लिए ये कदम उठाया गया है। एक अहम बात, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि हम हर अपडेट आप तक पहुँचा सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कॉन्टैक्टलेस सेल डिवाइसेस के साथ सक्षम दुकानों पर 2,000 रुपए की वर्तमान सीमा से ज्यादा की खरीद के लिए भी ग्राहक अपने क्रेडिट और डेबिट कार्ड स्वाइप करने से बच सकते हैं। 2,000 रुपए से अधिक की खरीद पर टैप एंड गो कार्ड भुगतान के लिए 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन की आवश्यकता होगी और ग्राहकों को लेन देन की प्रक्रिया के लिए एक पिन दर्ज करना होगा। RBI ने कहा कि EMV चिप और पिन कार्ड के साथ कार्ड प्रेजेंट यानी CP लेन देन कॉन्टेक्टलेस मोड में संसाधित किए जा सकते हैं, चाहे लेन देन मूल्य कुछ भी हो। हालांकि 2,000 रुपए से अधिक मूल्य वाले लेन देन पिन से प्रमाणित किए जाएंगे। केंद्रीय बैंक ने पत्र में दोहराया कि ग्राहक अभी भी अपने कार्ड स्वाइप करके पारंपरिक साधनों के माध्यम से लेन देन कर सकते हैं जहां विकल्प उपलब्ध है। NPCI ग्राहकों को ज्यादातर कॉन्टैक्टलेस पेमेंट करने की सलाह दे रहा है। CEO अजय बंगा ने बुधवार को एक प्रेस ब्रीफिंग में संवाददाताओं से कहा कि मास्टर कार्ड के लिए इस तरह के लेन देन में साल की पहली तिमाही में 40% की वृद्धि हुई है। कॉन्टैक्टलेस पेमेंट से अब ग्राहकों को और भी आसानी होगी, बार बार कार्ड स्वाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन RBI के इस फैसले पर आप सभी का क्या विचार है, यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। तो जल्द मिलेंगे एक नई खबर के साथ।